बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। बहुत सारे मैसेजेस और यूट्यूब पे मैसेजेस आ रहे थे कमेंट्स में कि जो फाइनल एग्ज़ाम है स्प्रिंग सेमेस्टर का, उसके की डेट्स के रिस्पेक्ट से गाइड कर दें, और जो तो पेपर पैटर्न क्या होगा उसके रिस्पेक्ट से आपको मैं गाइड कर दूँ। तो फर्स्टली, जो एग्ज़ाम डेट अभी तक कोई भी फाइनल नहीं है, अभी टेंटेटिव डेट्स हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। तो जो BS 4th, 6th और 8th के लिए जो एग्ज़ाम डेट्स हैं वो होंगी आपकी मिड जुलाई या फाइनल जुलाई, एंड ऑफ जुलाई या अगस्त के स्टार्ट में। और इस तरह जो BS सेकेंड है और MSc सेकेंड है, इसके लिए जो एग्ज़ाम है वो एंड ऑफ अगस्त होंगी। और जो सेकेंड BS 4th, BS 6th, BS 8th और MSc 4th, उनके एग्ज़ाम एंड ऑफ जुलाई यानी ईद के बाद, जो जुलाई का लास्ट वीक हो गया उसके अंदर, या फिर अगस्त के स्टार्ट के में उन लोगों के पेपर स्टार्ट होंगे। और जो आप लोगों से जो भी इंफॉर्मेशन शेयर की जाए पेपर के लिए या वेब या डेट शीट के लिए या आउटलाइंस के लिए, वो जस्ट आप अपने कॉलेज से जो आपको इंफॉर्मेशन मिलती है उस पर ट्रस्ट करें, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ग्रुप्स बनाए हुए हैं, उसमें फेक न्यूज़ लगा देते हैं, और बाज़ लोग जस्ट स्टूडेंट्स ही होते हैं टू क्रिएट फन, वो ऐसे ही कोई एग्ज़ाम की डेट लगा देते हैं कि एग्ज़ाम वो इससे स्टार्ट हो रहे हैं, ये चीज़ चेंज हो गई। तो आप उन पर कभी भी बिलीव ना करें। जो भी इंफॉर्मेशन आपको कॉलेज की तरफ से या यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे मिल रही है, सिर्फ उस पर ट्रस्ट करें। और जब जो मैं आपको एग्ज़ाम डेट बता रहा हूँ, ये भी अभी फाइनल नहीं है, ये टेंटेटिव है। जब एग्ज़ाम डेट फाइनल होगी तो आपको वो वेबसाइट पे आ जाएगी और कॉलेज के प्रिंसिपल की तरफ से भी शेयर हो जाएगी। और जो सेकेंडली एग्ज़ाम के लिए आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है आउटलाइंस, आउटलाइंस जो आपको कॉलेज के टीचर्स ने आपको दी हैं या यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे हैं, वो आप वो लें। जो स्टूडेंट्स शेयर करते हैं कभी भी वो चीज़ यूज़ ना करें। और मैक्सिमम स्कोर के लिए आप अपने जो तमाम उसका है टॉपिक्स उसको कवर करें, जितने आप टॉपिक्स को कवर करेंगे उसको ज़रा अच्छी अंडरस्टैंडिंग के साथ पढ़ेंगे, आपके मार्क्स उतने ही ज़्यादा आएंगे। सेम पिछली बार की तरह पेपर पैटर्न जो सेटअप जो होगा सारा एग्ज़ाम का सेम होगा। आप लोगों के जो है एग्ज़ाम कंट्रोल ऑफ एग्जामिनेशन के थ्रू चेक होंगे, और ये यूनिवर्सिटी के अंदर चेक होंगे, जो है प्राइवेट कॉलेजेस के लिए भी और गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए भी। और जो आप लोगों का मिड टर्म और सेशनल एग्ज़ाम है वो आपके कॉलेज और के लोग लगा देंगे, जो कि डिफरेंट क्राइटेरिया है आपके गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए और प्राइवेट कॉलेजेस के लिए। गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए ये 24 मार्क्स हैं, और जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनके लिए जो सेशनल और मिड टर्म है ये 12 मार्क्स का है। तो अगर किसी बच्चे के जो आपका एग्ज़ाम होगा वो आउट ऑफ 100 होगा, जो आउट ऑफ 100 है ये मैप हो जाएगा 3 क्राइटेरिया के लिए 48 मार्क्स, 48 मार्क्स के ऊपर। जैसे अगर 100 मार्क्स हैं, अगर उसके 100 आउट ऑफ 100 हैं तो 48 मार्क्स उसके बन जाएंगे, और उसके प्लस सेशनल अगर 12 हैं तो उसके 60 आउट ऑफ 60 हो जाएंगे। अगर किसी ने 50 मार्क्स स्कोर किया है फाइनल एग्ज़ाम में, तो उसके 24 मार्क्स बन जाएंगे, और उसके सेशनल जो हैं वो जो कॉलेज की तरफ से अवार्डेड हैं वो 10 हैं, तो 24 प्लस 10 इसके 34 मार्क्स हो जाएंगे। सिमिलरली कॉलेजेस, गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए फार्मूला डिफरेंट होता है, उसमें उनके जो इंटरनल मार्क्स हैं या मिड हैं वो 24 मार्क्स होते हैं, और अगर उनका मार्क्स वही 100 में से ही आएंगे, और उसके कैलकुलेशन का फार्मूला ये है, अगर 100 है तो 100 × 36/100, अगर उसके फाइनल जो एग्ज़ाम है उसके अंदर 50 मार्क्स आए हैं, 50 × 36/100 इज़ इक्वल टू 18 उसके मार्क्स आ जाएंगे। तो आप हमेशा जो आउटलाइंस हैं यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से या अपने कॉलेज की जो टीचर्स आपको देते हैं सिर्फ उस पे लें, कोई इसके अलावा किसी और जगह से ट्रस्ट ना करें। पेपर की तैयारी थ्रू आउट दी पैटर्न पैटर्न के मुताबिक करें। जो आपके 5 टोटल क्वेश्चंस होंगे, इसमें 20 मार्क्स MCQs के होंगे और 4 लॉन्ग क्वेश्चन होंगे 20 मार्क्स ईच। और अक्सर मैंने देखा बच्चे जो हैं, जो हम लोग पेपर मार्किंग करते हैं, तो उसमें क्वेश्चंस के नंबरिंग ठीक नहीं होती। क्वेश्चन 4 सोल्व करें तो अगर सबसे पहले क्वेश्चन सोल्व करें उसको क्वेश्चन नंबर 1 दे देते हैं, तो आप ऐसा बिल्कुल ना करें। जो क्वेश्चन सोल्व करें उसी का नंबर दें, और एग्ज़ाम की अभी तैयारी करें, क्योंकि आपके एग्ज़ाम ईद के बाद जो है एंड ऑफ जुलाई हो गए, जो आपने कॉलेज की के नोटिस बोर्ड से और जो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के थ्रू लिंक रहे, ताकि आपको जो इंफॉर्मेशन है वो मिलती रहे।
अगर कोई चीज़ आपको रिक्वायर हो, कोई चीज़ इंफॉर्मेशन रिक्वायर हो तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली मैं उसको रिप्लाई कर दूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर योर लिसनिंग। अल्लाह हाफिज़।